क्या है भाई, अभी नहीं कहीं चार बंदे मारने वुड्स में। ओके अरे मेरा अकाउंट वापस करो भैया, एक दिन की बात हुई थी। कौन हो भाई आप, ऐसी बातें मत करो, बैन मार देंगे हम। फालतू बैन वैन खा जाओगे, क्या मतलब। ऐसी बातें नहीं करते दोस्त। अकाउंट के लिए बताओ, अकाउंट के लिए अब बैन करने की बात कर रहे हैं और क्या। ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो बैन तो खाओगे ही। कब आ रहे हो तुम वैसे? इनको यहाँ टॉप पार्ट में ना जहाँ ये फालतू की इन्फो आती है इसकी जगह कोई टेट्रिस या कुछ डाल देना चाहिए। व्हाइल यू आर लोडिंग इनटू रेड आप वो खेलते रहो। लाइक जैसे रूबल गेम कर देना चाहिए। जैसे थोड़े थोड़े यहाँ पे वो टेट्रिस खेलते रहो, उससे थोड़े थोड़े रूबल्स बनते रहेंगे आपके पास विच यू कैन कैरी इन साइड योर रेड। कितना सही रहेगा। लाइट कीपर करो यार, लाइट कीपर के बहुत सरदर्द क्वेस्ट है यार। सोच तो रहा था वही, देखते हैं देखते हैं। कितना अजीब लग रहा है। सेंसिटिविटी कुछ चेंज हो गई क्या? Feels a bit weird। पर अभी पहली रेड है सो you never know। That's a scav। गन की बुलेट वेलोसिटी क्या है? ये तो अच्छी है। That seems close. भाई कितने नेड? I don't know who were they even fighting. Behind. Nades आने बंद हो गए अब. क्या हो गया यहाँ की ज्योमेट्री को? He was here. उसकी बॉडी कहाँ गई? और he didn't die. That is so weird. ये कहाँ फटा है? Oh, that's the BTR. I thought it was a guy. पीछे पट रहे हैं आई थिंक ये नीचे पर यहाँ थोड़ी आएगी उसकी बॉडी उछल के. हाउ कैन दैट बी पॉसिबल राइट. आई एम एक्चुअली श्योर ही डाइड बट This is very risky. 53. Yeah, Aurora. You're like very out in the open. Question remains, who was he fighting? The fuck is that? The hell is that alarm, bro? What? It's like the BTR is leaving now. BTR leaving alarm tha wo. Hello Adi, क्या हाल है? Yeah, that BTR was like, it's kind of funny. दिन कैसा रहा? Pretty average to be honest. Average day. Actually बंदे मारने थे ना इधर अपने को, so count नहीं हुए वो. ये स्कैव बेस ही है ना? This is Scav base, right? यहीं पे काउंट होने चाहिए थे ना? या बड़ा गुची। यहाँ पे काउंट क्यों नहीं हुए बंदे जबकि मैंने ऊपर मारे थे तो? या फिर इस एरिया के अंदर आने चाहिए तब काउंट होते हैं। दो बंदे मारे पर दोनों ही काउंट नहीं हुए। That's not fair. स्कैव बेस ये है या गून स्पॉन्स वाला? पर वहाँ मैंने पीएमसी कहाँ मारे? देखो एक बार पता करके बताओ स्कैव बेस कौन सा कहलाता है? मैप में चेक करके बताओ जरा जब तक मैं थोड़ा लूटता हूँ इधर। ये क्या है? मिला कुछ? या फिर ऐसा तो नहीं कि बस ये मतलब यहाँ से नीचे उतरते हैं तो ही काउंट होता है। अच्छा मेडिकल में उधर जो बाइनॉरल बग I can't aim, bro. Seriously? वो खुद के रेट से भर गया। कैप्चरिंग आउटपुट है ना? हाँ हाँ हाँ, तो वो मेडिकल पे मारना है। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को। तो स्टार्टिंग में ही फाइट लेनी पड़ेगी। मतलब मुझे लगा कि यहाँ पर मारने में, इसलिए वहाँ से इधर आया। मेड कैंप, ओके, अच्छा लोल, उन्हें नेड फेंका या फिर वो फेंक रहा था, वो सारे स्कैम मर गए। सीरियसली? That's a crazy dude. Yeah, this is the guy I clapped. अरे यार, मेरे को वो लेके आना चाहिए। सिर्फ मेड कैम बचा या? Okay. अभी तो मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा क्योंकि मैं उधर से ही आया हूँ। सो लेट्स जस्ट रीसेट। इनके खत्म होने वाला है। Strong resort in Shoreline, Metcalfe. Okay, 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 okay. Got it. इस रेड में नेड तो हर डायरेक्शन में फट रहे थे। नियरली फुल पीएस आर्मर। नए साउंड में सबको ही दिक्कत आ रही है, पता? There was a camper. कहाँ बैठा था ये? Where was he sitting? दिखा भी नहीं कभी। Fosroda. What the fuck? 53 level. 2300 hours, 53 level, and he's just sitting there. What? Naam padho uska, Fosroda. What is this? What is he even wearing? He's wearing a Zook. Ooh, he's wearing a level 6 Zook. Oh, I didn't check this guy जो इसको ऊपर मारा था, उसको नहीं देखा मैंने। चलो जी था कहाँ ये, आई मीन शॉट तो मुझे आगे से ही पड़े हैं जहाँ टूवर्ड्स केबिन, बट आई वांट टू नो वेयर ही एग्जैक्टली वाज एंड हाउ डिड आई मिस दैट. बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इसमें, तो नो आइडिया कि कहाँ है. Bro, he's sitting in a bush. Oh no. मेरे को हल्का सा उसका वो पर्पल बैग दिखा. ओह नो ब्रो, व्हाई आर यू सिटिंग इन अ बुश? 53 लेवल एंड सिटिंग इन अ बुश. नो 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 नो, दैट्स सैड. सैडेस्ट वेरी सैड. Very, very, very sad. क्या लेके जाएं, क्या लेके जाएं? जाली कैसे हो ब्रो? आई एम गुड. There is a SA58 which I can take. मैं इसमें स्कोप बदलना पड़ेगा. राउंड बैग भी होती है. -8 ergonomics. -2 ergonomics. 20 राउंड वो कम है. I guess 20 rounder is fine. We just need to take 2 more. मुझे बहुत बुरा लगा व्हेन दैट 53 लेवल गाय वाज सिटिंग इन अ बुश. उसका हल्का सा बैग दिखा मेरे को, पिलग्रिम. आई डोंट नो व्हाई वाज सिटिंग इन अ बुश. और क्या रखना है? बैग एक, तो बैग छोड़ो, मार के ले लेंगे किसी को. मनी 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 ये रख लेते हैं, इसी में मनी आ जाएगा. Чика. Hello UG, congrats for another Kappa. Thank you, thank you. Boy, Fosroda. What the fuck? I'm not sure if I ever saw him. हल्का सा कुछ पर्पल सा दिखा था मुझे. I might be wrong. Let's check it again. रेड जब बहुत क्वाइट हो जाती है ना मेरे को फिर अजीब लगता है because people can be anywhere. Oh, what's this guy? जब मैं इधर आया, then he shot. I thought I saw him here, but नहीं. Wait. ये सीधा head eyes था, मतलब ये exact मेरे सामने था कहीं पे. Most probably. Why can't I see him? Is that him? Oh, he may be on my right. I can't see him. Left में था? नहीं. शॉट मेरे आगे से आया एकदम टुवर्ड्स केबिन. वो प्रॉबेबली हो सकता है वो जो नए वुड्स के इन्होंने वो लगाए हैं शायद वहाँ कहीं था बिकॉज द साउंड केम फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम सेंटर एंड थोड़ा दूर से आई, मतलब एकदम पास से नहीं आई. आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट. हाँ ये देखो मेरे सामने से आई है साउंड उधर कहीं से एकदम. या सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो नई वॉल इन्होंने लगाई है ना वो उसके पीछे बैठा था. मेरे फ्रंट राइट से आवाज आई है सो मोस्ट प्रोबेबली ही वाज बिहाइंड दैट वॉल. सैड. जहां कवर की जरूरत नहीं थी वहां पे कवर ऐड कर दिया इन्होंने. वेट व्हाट? व्हाई इज इट रेनिंग? व्हाई इज इट रेनिंग? ये कैसा स्पॉन है? कुछ रखा है क्या? वहाँ डॉट आ रहा था. बैंडेज ऑफ डोलबोस. नेट तो पीछे फटा। We have Storman. Also, one more thing, people are playing very slow in this server. Like they're camping and shit. They're playing very, very slow. I don't know, Stallman is kicking somebody's ass. ये कौन सी गन चल रही है? इसने यार बहुत जल्दी इसने एकदम डाउन कर दिया। हेड आइज ट्वेंटी 800 आवर्स 1900 किल्स। He had M4. That's M4 right? और HK क्या ये? Whatever. He has no helmet. Did I even hit him? 4 goliyan, but 5, 6, 7. It's weird. I can't say about the server. Might be his lucky shots. मैं एक्चुअली नीचे डक कर गया, उसके बाद भी मेरे को हेड पड़ गया। मैं नीचे डक कर गया, स्टिल आई गॉट अ हेड। और पहला शॉट ही उसका हेड आइस पड़ा है, मैं इंस्टा नॉक हो गया वहाँ पे। गीगा चैट भाई, गीगा चैट। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज है साला, जाम होएगी मेरे। I don't know, like उसका कोई साउंड भी नहीं आया, तो बस दिखा। Usually you hear like people coming towards you. Suddenly I just saw him. It's in the level 5 plate, right? Try mark that one. एनीवेज वो वहाँ ऊपर चढ़ोगे तो मरना तो होगा ही, क्योंकि सबसे पहले लोग जाते से ही उस रॉक पे ही देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई क्लाइम दैट। मैं स्टर्मन का एंगल लेने की कोशिश कर रहा था आगे। यू सिक। लेवल 50 प्लस बेयर कम है मेरे पास। दे तो देने चाहिए इसमें, बिकॉज ये क्वेस्ट करनी तो है। और डॉग टैग रखने का क्या मतलब है? लाइट हाउस में 10 बंदे मारने हैं फॉर दिस। यू वेट, अच्छा वो पहले दैट वाज 100 मीटर शॉट पिछली रेड में जो था। 16 से 17 हो गया ये। तप तरप तप 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 तप। अरे यार, एक तो बटन चेंज कर दिया है बेवकूफों ने। ट्रेडिंग का राइट में होना चाहिए। आई डेंट इंश्योर बैक करना पड़ेगा। डिनर करके आया ओके। कुछ मिस हो रहा है ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई एम हैवी, मे बी बिकॉज ऑफ द एमो। पता नहीं मैंने शूट करने में इतनी देर क्यों लगाई यार। टारगेट एक्विजिशन में इतनी देर क्यों लगाई मैंने, बहुत देर लगाई मैंने। इतनी देर में तो साले ने मेरे को ऑलरेडी थोरैक्स पे एक शॉट दे दिया था। वेट, हिज फर्स्ट शॉट वाज अ हेड शॉट एंड आई टैंक्ड इट, बट ही केप्ट शूटिंग मी। दैट वाज सस। The first shot he gave me was a headshot. Head eyes 2800, and he was not wearing a helmet. Hours 1900 रेट तो जल्दी लग रही है। ओह इट्स रेनिंग। मेडकैम वाला स्पॉन क्यों नहीं दे रहा मेरे को? Was that at me? I don't know, it felt like it was at me. Oh shit, multiple है. बारिश की वजह से I just can't hear anything. हो सकता है ये लेट गया ऊपर बिकॉज यू कांट हियर एनीथिंग. हो सकता है और पीछे चला गया बिकॉज आई कांट हियर हिम एनीमोर. Bro, I seriously can't hear anything. रॉक्स का फ़ायदा क्या जब आप चढ़ नहीं पाओ उस पर। माइट इवन भी पॉसिबल कि वो वहाँ होगा ही नहीं अब। Might be possible. इधर मारा था ना मैंने। It's still there. I don't know who he's shooting at, but he is still there. फायदा उठाते जा सकते हैं बस। I don't know where he could be. That's a bag. I feel like he's camping somewhere. I don't know if it's even worth it to check. I don't know. I killed this guy. That's a scav. He's not here. बैग यहाँ पे किसका है? आई डोंट नो। कार ले लिया कोई? ओके दैट इज वियर्ड। वही बंदा तो नहीं था कहीं। That's a scav. Actually इस वेदर में दोनों चीज़ें, बंदे दिखना भी आसान है और ना दिखना भी आसान है। Somewhere in the middle. That's a big bag. So what, he just like looted his friend and ran away? I doubt we'll find anybody in the med camp now. Dude, we're just standing there. Why are you standing? I think he was about to spawn. टाइमर शुरू हो गया क्या? नेड एक ही बच्चा है। व्हाट द फक, ऐसा लग रहा कोई आया ही नहीं है। What is that weird sound? Oh, he's walking. No random sound to ho nahi sakti. Somebody must be walking here. So weird. ये आइटम कभी नहीं उठा पाता हूँ, पता नहीं। So random. Finding medicaments. I can't see him. बार बार उधर नेड फट रहा है, मेरे को अजीब लगा। भाई इतने नेड भाई। Somebody camping there or what? क्या चल क्या रहा है? Alright, let's reset. Outskirts जाना पड़ेगा वैसे भी। बड़ी देर तक कोई सेम जगह मतलब पुश नहीं करता ना, कहीं मेरे को अजीब लगता है। बिकॉज दे नो समबडी इज इन पीओआई, तो वो वेट करेंगे आपका कि आप कब वहाँ से बाहर निकलोगे। दैट ऑल्सो हैपन्स। I mean, anything can happen. like a weird questing lobby because कोई मेट कैंप में आया ही नहीं, like शुरू में भी कोई गया नहीं. Yeah, you never know, you never know. You never know in this game. People could be anywhere. Like, all the time I was in the med camp, I kept hearing grenades over at the Sturman area. Like periodic intervals पे grenades. Felt weird. I like that they reduce the this bush density, so you like cannot camp in every single bush now, but if you maintain a distance you can easily camp it, like wo jo banda tha udhar. Kept it from snow time. I don't know who he was. देख नहीं पाया उसको मैं. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी फ्रेंड की बॉडी कैंप कर रहा था वहाँ पे. दैट्स व्हाई आई नेवर चेक्ड हिम. वैसे भी वो काउंट नहीं होगा, वो तो मेड कैंप से तो बहुत दूर था. इतना सारा जो उठा लाया उसको करूँ क्या? I don't know why people bring this bag. I mean, -4% movement speed, 3% ergonomics. I don't see any benefit to it. Seems kind of weird. Greeny, that bag has weird partitions. I know. मैं उधर spawn हुआ था कार के पास, कार से मैं भाग रहा था उस तरफ टूवर्ड्स मेट कैंप, तो ये लोग, मुझे लगा मेरे पे किसी ने शॉट लिया, कहाँ पे टूवर्ड्स दी नॉर्दर्न एक्सट्रैक्ट के पत्थरों पे, तो मैं घूम के सोचा माउंटेन साइड से जाता हूँ एंड देन क्योंकि कॉन्टैक्ट 4 पहने हुए थे, बारिश हो रही थी तो पर मेरे को साउंड आ गई उसकी, तो आई किल्ड वन एंड आई फील लाइक देयर वर 2 मोर गाइज ऊपर एंड आई डोंट नो, देयर वाज जस्ट दिस ड्रॉप्ड बैग जो वहाँ पे था ऊपर, मैंने उठा लिया, उसमें कुछ नहीं था, मिल्क पड़ा था बस, एंड देन मैं बहुत घूम के आया, आई गेस दे लेफ्ट, घूम फिर के वहाँ से शायद वो कार की तरफ निकल गए, दे टुक द कार एंड देन आई नेवर सॉ देम अगेन। बॉडी चेक नहीं करी मैंने क्योंकि इट वाज लाइक 2 आउट इन दी ओपन, मुझे लगा कि दे माइट बी वॉचिंग द बॉडी, सो मैंने देखा ही नहीं। आई डोंट इवन नो क्या लेवल था बंदे का, बट अगर अपने को मेट कैंप में बंदे चाहिए तो अपने को मेट कैंप पहले पहुंचना पड़ेगा और वहां पे थोड़ा सा कैंप करना पड़ेगा अपने को, सो दैट पीपल कम एंड वी किल देम। या एंड वो पूरा माउंटेन से भी दिख रही थी वो, सो दे कुड हैव बीन एनीवेयर लाइक, इसलिए मैंने वो बॉडी टच भी नहीं करी। मैं उसके पास से निकला कि शायद दे माइट एक्चुअली ट्राई टू शूट मी, तो पता चल जाए कि वो लोग कहाँ पे हैं, हो सकता है कार किसी और ने ली हो, कुड बी पॉसिबल, बट दे वर रनिंग फ्रॉम यूएन टूवर्ड्स, फ्रॉम यूएन टूवर्ड्स द कार। Has completed the capturing outpost recently. Yeah, I guess वहाँ थोड़ा wait करना पड़ेगा. We might have to camp a bit. क्योंकि if you wait, लोग आते तो हैं उधर. Usually they check. 4 बंदे मारने उधर, so we have to wait. पहले मुझे क्या लगा कि मिल एरिया है वो. That's not the mill area. That's some mid camp. रेड तो बड़ी जल्दी लग रही है यार। मींस वी हैव फुल लॉबीज। व्हाट इज दिस स्पॉन? ओह ओके, या आई थिंक वी माइट फाइंड पीपल एट मिड कैंप नाउ। एक रूफ पे स्पॉन होना चाहिए ना। मुझे लग रहा है that sounded in the open. Lighting is worse, I can't see anything. Terminal uncle is there. Right, running for it. I got one, it might be more. Does this count? I don't know, देखता हूँ. Hello Ninja. Came out, might have counted क्योंकि एरिया तो वही है. सो या आई डिड, एरिया तो वही है ना, सो ऑब्वियसली काउंटेड इवन इफ ही डाइड आउटसाइड. आई फील लाइक देयर इज वन मोर. व्हाई डू आई फील लाइक देयर इज वन मोर? I guess I checked everywhere. But I don't see any other bodies, so he might be the first one here, probably. बट इस लॉबी में क्या लोग स्नो खेल रहे हैं, सो यू नेवर नो. यू नो these stupid ambient sounds are very problematic. बार बार ऐसा लगता है कोई चल रहा है, कोई चल रहा है, कोई चल रहा है. It's very problematic. मैंने रॉबिन को भी देखा कल सुबह, मतलब कंफ्यूज हो रहा था बार बार कि कोई चल रहा है, कोई चल रहा है. वो बहुत दिनों बाद खेल रहा है ना, अपडेट के बाद फर्स्ट टाइम खेला था. इट्स लाइक गेटिंग कंफ्यूज. अभी उसकी बॉडी नहीं देख रहा हूँ मैं, ओपन में पड़ी है बाहर. I'll wait. सर गेम थोड़ा हैंग हो रहा है क्या स्ट्रीम पे? इज इट? थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप होते हैं कभी कभी, तो होता होगा. वैसे मुझे गेम के अंदर नहीं फील हो रहा है, स्ट्रीम पे आप लोग को हो रहा हो तो पता नहीं. Right, so there's no loot here, or whatever that there was, he looted it. He didn't found anything good. अगर लेडेक्स वेडेक्स होता तो वो मूव नहीं करता किसी की आवाज़ सुन के, वो बैठा रहता वहीं. वैसे भी अपने को क्या करना है. You think anybody is gonna come to the med camp now? Where did he even die? Oh, I don't know. देखूं कि नहीं इसकी body. I guess I can. $39 level. Markiak. Bloody cheater. भाई साहब what a stupid cheater bro, can you believe that? Can you believe that? What the hell is head FPS? ये क्या है? What is this icon? What is this icon? हैं? What? इज दैट लाइक शर्पा थिंग या कुछ ऐसा कुछ है क्या है ये? वो व्हाट इज दिस आइकॉन राइट हियर? $3600 hours, 1400 kills. Bro, अभी वहाँ कोई भी नहीं था and the moment I started looting him and suddenly there's a nade and green is dev, I guess. I died to M67, bro. That's a 5-second nade. I don't think ये random था. I don't think it was random. What the fuck is this? Need to take screenshot of this. Ask people. What is this? ना ना नेट वो तो बाद में किया उसने, गन फायर तो बाद में आया, पहले नेड आया तभी तो मैं उठ के अंदर की तरफ भागा क्योंकि वो नेड ऐसा वॉल की तरफ आके गिरा. रुको अभी देखते हैं. ब्रो व्हाट, मैं इतनी देर से हूँ वहाँ पे, देयर इज नो साउंड ऑफ एनीबडी, बाहर भी मैं देखा कोई भी नहीं एंड देन सडनली देयर इज अ नेड कमिंग टू मी, वो भी M67 रैंडमली. आर यू किडिंग मी? वो भी M67. गेम एडमिन तो नहीं है. Why would they do that? And if so, why would they even cheat? Why would an admin be in the game? It makes no sense. But इस लॉबी में क्या देखो इतनी देर से कोई साउंड नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, नथिंग. देखूं कि नहीं इसकी बॉडी. ग्रीन इज शर्पा, तो ये शर्पा बहन जो चीट कर रहा है जो भी है. आई गेस आई कैन. I heard a nade. देखो वो यहाँ हल्का सा दिखा भी था, देखना आपको दिखेगा. देखो दिख रहा है जस्ट ऊपर वो थोड़ा सा M67 जस्ट ऊपर राइट में, ये देखो इन द एयर. मेक्स मी थिंक ये राइट साइड से कहीं से आया. ब्लडी चीटर. एंड देन व्हेन आई स्टार्ट रनिंग ही स्टार्टेड फायरिंग, जबकि मैं मर गया था ऑलरेडी. व्हाट ब्लडी चीटर भाई साहब, ब्लडी चीटर, ब्लडी चीटर. ब्रो मैं गिर गया उसके बाद ही स्टार्टेड फायरिंग, मतलब इतनी देर तक फायर करता रहा वो. ब्लडी चीटर भाई साहब. एंड जब मैंने बाहर देखा तब तो मेरे को नहीं दिखा कोई भी, ना ही इसने फायर किया भाई साहब ने. जिस हिसाब से वो बाउंस हुआ है ये राइट से कहीं से आया. 39 लेवल. ब्लडी चीटर. ना दिस इज 100% सस. आई डोंट बिलीव दिस. He is hardly 42 level, bro. I just googled. Green is Sherpa. He was this guy's friend. I don't know. पर ब्रो अगर एक बात बताओ, अगर ये कैम्प कर रहा होता वहां पे, मैं उसी साइड से तो आया हूं, मैंने 2-3 नेड फेंके, ये कहीं एआई वेआई तो नहीं है? बिकॉज द अदर गाय दैट आई किल्ड वो बिल्कुल इसके जैसे ही दिख रहा था। I don't have his dog tag now, otherwise देख लेता मैं। What the fuck is happening? उसके पास भी हेलमेट नहीं था and he also had like क्या बोलते हैं, कैप पहनी हुई थी उसने भी। He looked almost exactly like this guy जो यहाँ पे था। I'm so confused, so confused. I don't know what the fuck is happening. नेट भी हग रहा है, पता नहीं 2 दिन से आ जाऊँ। I don't know क्या हो रहा है, बार बार इतना गंदा ड्रॉप फ्रेम आता है। मैंने कल पूरी रात बंद रखा था राउटर। Sherpa is like an official role given by devs through Discord server, but Sherpa program बंद हो चुका है, पहले ही बंद हो गया था वो तो। Will I survive at least one raid today? I mean, I'm dying to the like in the most sus ways possible, literally. Can I survive at least one raid, please? He's still using the badge, I guess. You can't keep that badge or something. ऐसा कुछ नहीं है गेम में, वो डेवलपर्स ने दिया है जो भी है। अगर ऐसा है, अगर if that is true, but bro, I am sorry, I don't believe. If he's a Sherpa, he's supposed to be like, कहाँ था वो, उसको मैं कैसे दिखा? मैं इतनी देर से अंदर था, उसको मुझे उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, नथिंग, एंड सडनली देयर इज़ अ M67 फ्लाइंग टुवर्ड्स मी। आर यू सीरियस? मेरे को डॉग टैग इसमें डालना चाहिए था, मैं गलती करी। पता करना चाहिए था कौन था वो। यू नेवर नो। खाना खा के आ रहा हूँ गाइस, पता नहीं क्या हो गया। मैं नेट भी मैंने कल बंद किया था, आज फिर से वही हो रहा है, लाइक ड्रॉप फ्रेम्स आ रहे हैं। कल पूरी रात मैंने बंद रखा था ये। अपलोड स्पीड जस्ट हाफ हो जाती है, ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी इनको, एयरटेल वालों। स्ट्रीम Sherpa प्रोग्राम इज नॉट देयर बट देयर आर 1 और 2 Sherpa इन ऑल रीजन, दे डायरेक्टली वर्क विद Tarkov। Anybody tapping the internet line? ऐसा कैसे हो सकता है? फाइबर में कैसे पॉसिबल है ये? पुराने कोई वो थोड़ी है सिस्टम की, लाइक आके कोई तार डाल देगा तो चलने लग जाएगा। That's not possible. एनीवेज खाना खा के आता हूँ यार, भूख लग रही है वैसे भी मुझे, 10 तो बज गए। कर सकते हैं आपकी लाइन से दूसरे को, आपकी लाइन से दूसरे को दे दे टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। बट व्हाई वुड दैट अफेक्ट अपलोड स्पीड, डज इट? कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल मतलब वो एकदम रेड हो जाता है इसमें। मतलब जैसे अगर मैंने 12,000 रखा है, ठीक है, एंड 12,000 बिटरेट से अगर वो नीचे 7-8 तक कभी गिर जाता है ना, तो OBS में फ्रेम ड्रॉप होते हैं, रेड दिखाने लगता है। जिसको विनय बोल रहा था कि क्या आपका गेम अटक रहा है, गेम नहीं अटक रहा है, वो आपको स्ट्रीम अटकती हुई दिखेगी बिकॉज हाफ ऑफ द फ्रेम्स आर ड्रॉप्ड। इसलिए क्या है स्पेशल डिनर आज, आई डोंट रियली नो। मैं आता हूँ खाना खा के, देन विल टॉक। अगर कोई नेटफ्लिक्स या ऐसा कुछ 2K या 4K पर स्ट्रीम कर रहा है तो अफेक्ट पड़ता है, बट बहुत थोड़ा सा। नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं चलता ना मेरे यहाँ पे, साइमल्टेनियसली कुछ भी नहीं चलता है जब मैं स्ट्रीम कर रहा होता हूँ। मैं जनरली राउटर बंद कर देता हूँ, तो व्हेन आई स्टार्ट द राउटर तो ठीक हो जाता है। It's like randomly happening. It's not like it's constantly happening. So, अब और कोई तरीका भी तो नहीं है YouTube पे like bandwidth check करने का, because otherwise if you go and test just the upload and download speed, वो हमेशा normally आती है। At first I thought it could be like a OBS issue. I don't know. इसे अभी नॉर्मल चल रहा है, सडनली देयर इज लाइक फ्रेम ड्रॉप फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड देन इट कम्स बैक टू नॉर्मल। तो वो उस टाइम आप लोग जब देखते हो तो आपको वो ऐसा लगता है कि हल्का सा लैग हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। क्या हो गया भाई? मैचिंग 7 मिनट्स तक नो मैचिंग, बैक करना पड़ेगा। मैं उतनी देर से ध्यान ही नहीं दे रहा, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, मैच ही नहीं मिल रहा है। मेरा ध्यान नहीं था उधर। मैचिंग ही नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट 8 मिनट्स हो गया। वेस्ट ऑफ टाइम। देखता हूँ। अरे भाई क्या हो गया? इसको ऑल्ट F4 मारना पड़ेगा क्या? क्या बगी गेम है भाई पूरा। 8 मिनट्स तक कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। सेंस सर्वर इतना बग्गी गेम मैंने कभी नहीं देखा। कुप्तान भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। क्लिप क्यों नहीं है डिस्कॉर्ड पे कापा की? वो क्या बोलते हैं, क्लिप नहीं है बट स्क्रीनशॉट जरूर डाला है, बिकॉज वो ऑफलाइन मिला था। एक आइटम रह गई थी तो वो एज अ स्कैव ढूंढनी पड़ी। तो मैंने दोपहर को किया था लंच टाइम पे ऑफ स्ट्रीम। उस दिन शॉर्ट हो गई थी ना, उस दिन लेडेक्स मिला जब, तो लिटरली एक आइटम रह गई थी जो हमने नोटिस ही नहीं करी। फिर वो ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। उस दिन मिली ही नहीं, फिर वो लाइक 2.5 घंटे वेस्ट करे। बट सिंपल एक बुक थी पर वो मिली नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि वो नॉन फाउंडेड रेड कैसे हो गई जबकि मैंने उसको हॉल ऑफ फेम में रखा था, सो उस कारण से टाइम वेस्ट हो गया। मैं एनीवेज अब इतना मोटिवेशन है नहीं मेरे पास अभी प्ले करने का, अदर देन डूइंग सम स्टूपिड मिशंस में भी। यूजी लिखता है बैक टू एपेक्स, मैंने कहा नॉट इन अ मिलियन ईयर्स। मेरे को मेरी सैनिटी बहुत प्यारी है भाई। बाय द वे मेरा वो माइनक्राफ्ट वाला वो कंप्लीट हो गया है, पैक हैज़ अराउंड नॉट श्योर मे बी अराउंड 150 मॉड्स और समथिंग, चेक करना पड़ेगा। Yeah, around 150, and all of them are activated, all of them are checked to be working together. And आज मैंने दोपहर को करीब 30 minutes खेल के देखा था, there was no crash which could happen, but ये हो गया कि मैंने difficult कर दिया बहुत उसको, it's like fucking Dark Souls type। लाइक दिन में ज़ॉम्बीज़ और वो सब स्पॉन हो रहे हैं, दे आर रशिंग यू एंड अटैकिंग यू एंड एवरीथिंग, एंड योर हेल्थ इज़ लो। आई मीन हार्ड ही करना था तो मैंने कुछ ज़्यादा ही हार्ड कर दिया, मे बी देयर विल बी सम बैलेंसिंग इश्यूज, आई डोंट नो। या बट इट इज़ नॉट लाइक कि वो जो दूसरे जैसे दूसरे लोग स्ट्रीम करते हैं माइनक्राफ्ट की वैसा नहीं है कि इट्स नॉट गोना बी एंटायरली कोजी एंड ऑल दैट शिट, कि वो फार्म्स बनाते रहो, ज़ॉम्बी फार्म्स, विलेजर फार्म और ये फार्म वो फार्म, बट कुछ भी नहीं। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन एंड कॉम्बैट। ब्रो ऑलवेज स्पॉनिंग मी ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप जहाँ मेरे को जाना है उससे, ऑलवेज literally। क्या हो गया, क्राउच हो गया, मेरा कैरेक्टर उठ ही नहीं रहा, अटक गया था क्या कहीं? आई डोंट सी एनीथिंग गुड हियर। लोल इधर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम हो गया क्या सब एक सेकंड में? स्प्लिंट के अलावा कुछ पड़ा ही नहीं है। Why did he come running? I don't know. Why would you come running here? It makes no sense. Might be possible he's not alone. Nobody fired at me yet. He has a SV98. क्या level है भाई? 44. Oh, he already killed somebody? कि नहीं, अच्छा ये तो इसी का है, सॉरी ही ये क्या है? ये उधर लूट क्या आया क्या? I think so. Probably did. Raid seems pretty quiet. I don't like quiet raids क्योंकि quiet का मतलब फिर ये होता है कि there are campers. वाह हो सकता है ये लूट के आया है यहाँ पे। शुगर घुटनों का दर्द है। मेरे को आज 7 सलेवा मिला, एक भी फाउंडेड डेड नहीं था। That's sad. That is really really sad. ये कहाँ चल रही है? ये हेल्प किया I think I heard something weird. ऐसा लगा there is terminal. अगर से आया तो इधर से ही था, इधर कुछ होगा नहीं। इतना टाइम बचा है पेन किलर में, 30 seconds. Let's do another one. I'm gonna reset क्योंकि med camp में kill लेने थे, यहाँ पे कुछ count ही नहीं होगा, so there's actually no point in staying here. इसका टीममेट कहीं वेट नहीं कर रहा हो। था पता है, अब इस कलर से डर लगने लगा है। So sometimes people like are a little bit difficult to spot क्योंकि your eye is not trained for it yet, you know, color separation. Anyways, let's reset quickly. Yeah, it's a weird foliage combination, so there are like lots of colors to look for, you know. Like पहले नहीं था ऐसा, and this is gonna keep changing with seasons, so eyes को train करना to look for different colors is even more difficult. Never thought standard account will be this hard to manage. I know. मैंने भी start standard से ही किया था, फिर उसके बाद मैंने upgrade किया था, और तब तो stash lines purchase नहीं कर सकते थे आप, अभी तो आप कर सकते हो. Terminal is still alive. He might be dead. Suddenly the voices are off. Oh no, he's still there. अरे यार ये बुला रहा है यार मेरे को. उधर कैंपर बहुत रहते हैं यार साला, कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं. आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट लाइक दैट एरिया. झाड़ी में घुस के साला इधर उधर ऊपर कहीं कोने में बैठे रहते हैं उस एरिया में ऑलमोस्ट ऑलवेज. कहाँ से शॉट पड़ते पता भी नहीं चलता. नो ग्रीन लाइट. Can't see him. OBS skipping frames. It's my internet. Can't help it. Which server? Why would I tell you server? ना मैंने सर्वर पब्लिकली बताना बंद कर दिया है. to anyone. Genghis Pada. So you have one PS round loaded and rest of it is LPS. What kind of suppressor is that? Suppressor heat shield. Oh. Wow. That's something new. Suppressor पे भी heat shield लगाई. बड़े लोग जी बड़े लोग पता नहीं कब तक चलेगी गन. एक बार जैम होके मेरे को मरवा देगी तब तक चलेगी. लेकिन डिस्कॉर्ड पे मजे मजे तो आया. 6 बंदे जो बवाल लोल वो बवाल अभी थोड़े दिन तक अच्छा लगेगा बट जब फिर मिशन अटक जाएंगे ना फिर समझ आ जाएगा कि बवाल किस हद तक सही है. और वैसे मैं क्यों स्कैव केस में डाले जा रहा हूँ? अब कोई सेंस बनता है स्कैव केस में कुछ भी डालने का? Does it? नहीं ना? किस्मत ही खराब है पर मेरे को पिछले 3 दिन में 3 बार टैंक बैटरी आई है. हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, किसी का टास्क नहीं हो रहा था इसलिए तो एनएचके गैंग. अच्छा पांच लोग में भसड़ होती है यार. इफ 5 people are in the same team and in the same raid बहुत भसड़ होती है. बिकॉज द प्रॉब्लम इज द कम्युनिकेशन कि आप कितना ज़्यादा वो कर लोगे यू नो. लाइक फॉर वन गाय इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो एट ऑल टाइम्स कि उसके बाकी के 4 बंदे कहाँ हैं एग्जैक्टली. लाइक 2 साथ में होंगे तो चलो आपको पता है एक लेफ्ट है एक राइट है बट वेयर इज़ द थर्ड वन. आप बहुत कन्फ्यूज हो गए. So I feel like ki the more people there are, the more communication you need, and I feel like it's also easier to team kill. तो चलो दूर की बात है. It's easier to lose when there are so many people because एक बंदा उड़ा देगा जब तक किसी एक को दूसरा अगर fast react नहीं किया और वो ढूंढता ही रह गया तो उस अफरा तफरी में 2-3 बंदे और मर जाएंगे. So that's why, like, I think 2 is a sweet spot for this game. Not same team, duo and triplets. Got it. Congratulations for Kappa. At least after lots of ups and downs, I was away, so missed the fun of last few streams. Hey, Chirag, thank you. कोई बात नहीं, वैसे भी वो लेडेक्स मिला था उसके बाद से फिर उस दिन तो कुछ कर ही नहीं पाए थे, वो बुक रह गई थी तो वो बुक फिर ऑफ स्ट्रीम ढूंढ ली थी। दैट्स इट। व्हाट इज दिस पॉन? आउटस्कर्ट्स अगेन। मेरा ये कीबोर्ड पे टी ख़राब हो रहा है जिससे मैं ये चेक करता हूँ। या आई एम नॉट एबल टू प्रेस इट, लाइक मैं डबल टी प्रेस कर रहा हूँ टू चेक द मैगज़ीन, वो कर ही नहीं रहा है। या वो टी ख़राब हो रहा है। Yeah, I always get like the worst spawns ever. They have no idea where they're getting shot from. Can't swap out the switch. What switch? ये तो ट्रेंचेस होती ना, यूज़ द ट्रेंचेस टू रिकवर योर स्टैमिना, बट इफ़ यू क्राउच जस्ट गो प्रोन। इट डजंट यूज। हाँ वो मैकेनिकल नहीं है मेरा, वो खोल के एक्चुअली साफ़ करना पड़ेगा, मुझे पता है उसके अंदर क्या हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट इनसाइड इट। आई डोंट लाइक मैकेनिकल कीबोर्ड्स क्योंकि वो खट 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 करते हैं। आई डोंट रियली लाइक दैट, सो मैं मैकेनिकल यूज़ नहीं करता। आई लाइक क्वाइट कीबोर्ड्स। आई हर्ड समथिंग। I don't know if this was the same guy. I don't know if this was the same guy. I think I heard somebody else moving, but I'm not sure. I'm not sure. अल रैंडम अरे जब इसको मारा मैंने उसके बाद नेट फटा था। I don't know, he might have a teammate. If this is the same guy जो उधर दो भाग रहे थे, then there were two people. Yep. Could be a scav. I don't know. Somebody is definitely there. I'm waiting क्योंकि मुझे उसकी पोजी नहीं पता है. I just heard somebody walking. Maybe I'll throw a nade and find out. Oh shit. I hope he hasn't heard this, otherwise I'm screwed. I feel bad. They look like new players. दोनों कैंपर बोलेंगे आई एम अ कैंपर, आई डोंट डिनाई इट, आई एम अ कैंपर। दैट्स अ स्कैव। नेड की आवाज से आया था वहाँ। ब्रो दिस इज लाइक अ सुपर स्पॉट इफ नोबडी एक्चुअली सीज यू हियर, मतलब यू आर नॉट विजिबल फ्रॉम एनीवेयर। I mean, what the fuck? Ground Zero पे साथ 50 के बंदे मिल रहे साइवेज भाई को। If you're 20 plus, don't go to Ground Zero. If you are 20 plus level, because then you'll get matching with high level players. If you're below 20, go solo. सीधी बात। मेरे को फैक्ट्री में लेवल 62 का बॉडी मिला था एंड फर्स्ट रेड लेवल 40 ने मारा था मेरे को। हाँ तो सब हाई लेवल ही मिलेंगे आपको। 40 इज लाइक प्रीटी स्टैंडर्ड। नो वन चेक्स दिस प्लेस, आई ऑलवेज चेक इट, बट हाँ दे डोंट चेक। वो नीचे की तरफ देख रहा था, ही वॉज नॉट लुकिंग अपवर्ड्स, द गाय ऑन द लेफ्ट। ऑलराइट SA58 43 with the garlic. It looks good actually. I think we should swap it out. पता चला वो इसका पहले वाले का टीममेट यहीं कहीं होगा, एक नेड फेंकेगा, मेरा तबादला कर देगा। आई डोंट नो, समहाउ आई थिंक दैट Not even 20, still getting high players. Yeah, sometimes the matchmaking might be fucked. I was level 1 ground zero पे मैंने बोला welcome to Tarkov. $43, $40. I don't know about checking this guy because one more SA58 guy. 54. बैक तो इसका खाली है जी। I was like, what the fuck they're doing ground zero? Nah, they can actually go there. I mean, matching जो है वो इस टाइप की है। रिग का क्या करूँगा, लेकर ले लूँ क्या, ले लूँ क्या? Alright, let's reset. Am I too overweight? I think I am. साला मेड कैम्प में बंदे मारने हैं, लेकिन स्पॉन ही हमेशा गलत हो रहा है। मार रहा हूँ दो तीन, लेकिन वो हमेशा गलत जगह मिल रहे हैं। क्या ही करें? इतने लोग आए उधर से ही थे, वैसे भी उधर कुछ मिलेगा नहीं। आप आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लूटिंग। कब हुआ कापा? कल? There's a fucking scav somewhere. AI scav. एक्चुअली मुझे क्या लगा कि शायद वो है, मुझे लगा प्लेयर्स क्या है। इसकी गन कहाँ है? He has so much ammo. Interesting. Bro, I can't see this guy, motherfucker. What the? अरे यार एक तो इन्वेंट्री लंबी हो जाती तो और दिक्कत हो जाती। या आई नो वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा दूर नहीं है, म्यूल मार लूँ क्या? मारना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा वो रिकवर नहीं हो गया एनर्जी। आई एम वे टू हैवी विद द गन्स एंड ऑल दैट। रनिंग स्पीड कितनी स्लो हो गई देखो। Carrying 66 kgs of loot, including my own. This was a good fight, वो जो last अभी हुई थी इस बंदे के साथ। But अगर वो rocks पे रहता तो वो मार देता मुझे। Maybe वो nades की वजह से वहाँ से निकला वो। Well, I think it was a good call. Wait. Can we get GB16? I think we can, right? I might have the key. It's already open. Alright, GG's. We killed 4 people, but कोई सा भी काम का नहीं आएगा because they were not in the area जहाँ उनको मारना था। Last वाला कौन सा लेवल का था? याद नहीं अभी इसमें दिखाएगा यहाँ पे। Now अब वो तभी दिखाता है if you have the dog tag। Last guy was 43 level, no sugar 9147. He got headshotted. इनफैक्ट पहले वाले को छोड़ के ऑल ऑफ देम गॉट हेडशॉट्स। शैडो देखो मटक मटक के भाग रहा है। अब 66 केजी लेके कैसे भागेगा इंसान? और डिड यू ड्रॉप? आई डोंट थिंक सो, अदरवाइज वो बुलेट उसमें नहीं रखता, उसके गुची में कुछ और रखा होगा, नहीं तो एपी बुलेट्स वो अपने रिग में रख के क्यों लेके जाएगा। अभी तो आई एम अवॉइडिंग PvP एज मच एज पॉसिबल ताकि मैप देख लूँ। या यू शुड फोकस ऑन क्वेस्ट राइट नाउ, ओनली क्वेस्ट, नथिंग एल्स। एक्चुअली गन उठाने की नीड ही नहीं थी। आई कुड हैव जस्ट टेकन आउट दी वूडू, अपना काम हो जाता है यहाँ। गन उठाने की नीड ही नहीं थी इधर। आई वुड लिटरली हैव नो यूज फॉर दिस गन राइट नाउ। That's why this MDR is very, very, very powerful. Well, कुछ भी कहो कप्पा का फायदा तो है। You carry lots of stuff. फील लाइक मुझे एक मैग और लेनी चाहिए इसके साथ. What do you guys think? I should change this gun now. हो सकता है कि ये अटकेगी अब. Is it possible? Four over here. I think I should replace this. This one is 98. We can take this. I think same ही दोनों का वो है. Starts तो same ही है. No, start same है. इसको बाद में निकाल देंगे. लाइट कीपर ना हो. लाइट कीपर थोड़ा सा दूर है अभी. मैं एक टास्क कर रहा हूँ जिसमें इसका टास्क है प्रॉपर का ही. आई नीड टू किल 3 more people इन दी मेड कैंप. तो ये कैप्चरिंग आउटपोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. गिव्स मी 70,000 XP प्लस अनलॉक्स SP6 क्राफ्ट. या गुड. इसको रिपेयर करना थोड़ा सा. ऑल लुक्स गुड टू मी. वेट ज़्यादा हो गया है बट हाँ दैट्स अगेन बिकॉज ऑफ द मैग्स एंड ऑल. अरे हाँ इधर भी तो रखे हैं डॉग टैग्स. यस सर. पर वो स्पॉन मेरे को सही नहीं दे रहा है. वो स्पॉन मेरे को गलत साइड पे दे रहा है हमेशा. लाइक मेड कैम्प में देगा ना तो मैं जाके बैठ जाऊँगा मेड कैम्प में. पर वो मेड कैम्प में स्पॉन ही नहीं दे रहा मेरे को. आई नीड टू किल 3 more people देयर. 84 इज रिस्की. आई नो. वो हटा दी मैंने इसलिए क्योंकि वो आई थिंक और भी बहुत जल्दी बर्न होती है. बहुत जल्दी बर्न होती है ये MDR 762 वाली. So there is a good chance कि it might jam in the middle of the fight. अभी इस फाइट में मुझे ऐसा लगा था कि एक बार जैम हुई है पर वो एक्चुअली मेरी मैक ख़त्म हो गई थी. आई वॉज क्लिकिंग पर वो गोलियाँ नहीं निकल रही थी. वो तो अच्छा वो बीच में झाड़ी थी और पेड़ था वहाँ पे. He had SA58 ना यार. नहीं DVL थी उस पर. DVL एंड अ पिस्टल. मे बी वो शूटर बॉन कर रहा था शायद. I don't think he was able to take a shot on me. पर वो जो पीछे वाला स्कैव था वो दिमाग खराब कर दिया भाई. कहाँ से मार रहा है पता नहीं. दिख भी नहीं रहा साला. कैन यू सेल दैट गन या फिर यूजर्स पड़ी रहती है? नहीं, उसके पार्ट्स निकाल लेंगे और उसको सेल कर देंगे बिफोर इट, क्योंकि 50% से ऊपर जो रहती है वो हो जाती है सेल, भले उसमें कॉस्ट इतनी नहीं मिलेगी, जितनी ज़्यादा डैमेज गन होगी उतने उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। वैसे भी वो $1200 की गन है भाई, रूबल्स में कुछ नहीं मिलेगा उसका, बट या इंस्टेंट की वो फाइट के बीच में जैम हो जाए उससे बेटर है उसके पार्ट्स निकाल लो, गेट अ न्यू गन और उस पर वो पार्ट्स लगा लो, क्योंकि गन का जो मेन पार्ट होता है वो बर्न होता है, दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो बर्न नहीं होते हैं, मतलब उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, ओनली द मेन पार्ट ऑफ द गन हैज़ द ड्यूरेबिलिटी जो बर्न होती है। थैंक गॉड बाकी के पार्ट्स डैमेज नहीं होते, लाइक सोचो कि मेरा सप्रेसर लाइक 10% डैमेज है या 20% डैमेज है थैंक गॉड वैसा नहीं होता है। लाइक इफ़ यू गोइंग टू स्टॉकर, तो स्टॉकर गेम में क्या होता है कि गन का हर पार्ट डैमेज होता है, यू हैव टू रिप्लेस एवरी अदर पार्ट, दैट्स लाइक way too complex, way too complex। Wow। स्टॉकर से याद आया, सितंबर में आ रहा है, आई नो। बाय द वे जिनको नहीं पता है, मेरा माइनक्राफ्ट का वो कंप्लीट हो गया है, क्या बोलते हैं, मॉड पैक जो मैं बना रहा था, इट हैज़ क्लोज टू 150 मॉड्स। 2 दिन से टेस्ट कर रहा था, आज आई थिंक आई फाइनली टिक्ड इट ऑफ। उसमें कोई क्रैशिंग इशू अभी तक तो नहीं दिखा मुझे, आगे हो तो पता नहीं। कल ऑफिस है या शादी? क्यों, कल क्या है? कल कुछ है क्या? 11 अप्रैल क्या होता है कल? अच्छा कल ईद है, ओके। ओ माय गॉड द विंड साउंड। अरे यार फिर से गलत स्पॉन गाइस, मैं क्या करूँ इस गेम का यार। इट्स लिटरली सेइंग कि नहीं भाई मैड तुम नहीं जा सकते मैड कैम्प, तुम वहाँ कोराम मचा दोगे आई डोंट केयर, आई एम रनिंग। बी लिटिल बिट केयरफुल क्योंकि पीछे से एक स्पॉन होता है, इफ दे आर हंटिंग स्टर्मन तो वो आएगा, और ऑलरेडी हियर हिम। दैट वाज लाउड। काफी पीछे साउंड आ रहा है। लाइट इज अगेंस्ट मी क्योंकि सामने से आ रही है तो like I should cross this area. I don't like this rotation. Like people are coming in this direction and we are going in that direction. This is the weirdest rotation ever. And now I'm out of breath. By the way, वहाँ से इधर never run straight towards that. If somebody sitting on the rock will get a headshot. वहाँ पे हमेशा sideways भागना चाहिए. If you have to run. There were people here, but अब कहाँ है? That's what I want to know. It's too open. Why is this always too open? साला उधर इतने लकड़ी के ब्लॉक लगाए थे, एक दो इधर भी लगा देते. Almost कैसे पड़ा है? कोई आया नहीं क्या इधर? We only get Diwali and holy leaves. I know what I slept for straight 16 hours on Sunday. So. Doesn't feel right. कोई यहाँ आया ही नहीं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? How is that possible, guys? या फिर आया but LEDX वेडेक्स या कुछ देखने आया होगा, कुछ चला गया. Or might still be here. One of the two things. See, spawn गलत मिलता है तो सब गलत हो जाता है. I can go for that जो single shot चल रहे हैं but फायदा नहीं है. I'll never find them. Like, मैं जाऊँगा उधर and then wait, I didn't kill this guy. There was somebody here. I think I should reset. Yeah, I should reset. Eastern Rocks. I think और भी कोई reset कर रहा होगा. That was a scav shot. ये कितना open है? Somebody can easily spot you. अगर यहाँ ले जाओ तो literally nobody will know. Easy extract camping क्या बोलते हो guys? This is not Sturman. This is not Sturman. This is somebody baiting. Sturman ऐसे single fire नहीं करता है. %100 not Sturman. वो ऐसे लेटते कैसे हैं? ऐसे जब पूरा नीचे एकदम झुक जाते हैं और फिर वो लाइक इसके नीचे भी देख लेते हैं लोग. कैसे करते हैं वो? साइड स्टेपिंग वाला कुछ रहता है. मैंने वो ऑफ कर रखा है. I did find it useful. Anyway, why am I extract camping, bro? Let's get the hell out. एक ही किल मिला है उधर. वो आई थिंक तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन यू गेट अ स्पॉन टुवर्ड्स रूआफ या यूएन, तभी आपको उधर फाइट मिलेगी. अदरवाइज इफ़ यू गो एट दिस टाइम पीपल आर नॉट देयर. वो बस लेडेक्स चेक करते हैं और आगे निकल जाते हैं. लेफ्ट लीन एंड साइड स्टेप बोथ आई गेस. वो साइड स्टेप मैंने ऑफ कर रखा है. आई डिडंट फाइंड इट यूजफुल so I turned it off. दो गोलियां चलाई लिटरली. Alright, चलो गाइस अभी तो मैं जा रहा हूँ. There's a fucking 40 rounder in this. तभी तो ये कहीं रखी नहीं जा रही थी. Screw it. 40 rounder उसमें रखी हुई है. हर बार मेरे को ये spawn पूरा उल्टा देता है extract से और मेरे को लूटना छोड़ के बस भागना पड़ रहा है through the map. बस 3 सलेवर के लिए sad. Bro, that's the system of the game. आप जहाँ पर spawn होगे आपका extract हमेशा ही दूसरी तरफ ही होगा. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जिधर आपका एक्सट्रैक्ट है उधर ही आपको स्पॉन कर दे. इट विल नेवर एवर एवर हैपन. नेवर एवर एवर कभी भी नहीं होगा. बहुत ही रेयर, शायद इक्का दुक्का मैप में किसी में होता है कि जहाँ पे आपका लाइक स्पॉन होता है वहीं एक्सट्रैक्ट होता है. जैसे लाइट हाउस में यू कैन स्पॉन नियर दी सदर्न एक्सट्रैक्ट and at the same time it can like you can extract through the southern road. Nah, car doesn't count because car has a condition that you have money, तभी वो extract होगा ना. इसलिए अब इसमें देख लो woods में it always spawns you on the wrong side and then if you spawn anywhere near the outskirts you have multiple exits available. बट अगर आप आउटस्कर्ट साइड पे स्पॉन नहीं हो रहे हो तो यू ओनली हैव वन एग्जिट अवेलेबल, दैट इज़ आउटस्कर्ट्स और कुछ भी नहीं है. सो वुड्स में ये बहुत नुकसान है. एंड ये पेस्टिली ने ये पॉइंट उठाया भी था उस पॉडकास्ट में जो निकिता के साथ किया था कि दे शुड ऐड लाइक एटलीस्ट वन मोर एक्सट्रैक्ट टू वुड्स ताकि वो एक्सट्रैक्ट कैंपिंग जो है वो ना हो. द आउटस्कर्ट्स पार्ट इज़ वेरी बिग. इट्स टू बिग टू बी लाइक वाइबल एज अ सिंगल एक्सट्रैक्ट. There should be multiple extract on that side. At least एक और इनको add करना चाहिए. Maybe add a checkpoint somewhere. You know, add some scavs there and that could be an extract. I mean, there are so many things they could do. I don't know why they don't do it, but whatever. नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही दूर है भाई. तो दूर होगा ही ना, हमेशा ही होगा. It always happens. Interchange देख लो. If you spawn near Amercom, your extract will always be railways. If you spawn at railways, your extract will always be Amercom. It's always on the other side of the map. Customs में देख लो, if you spawn on the trailer side, the extract will always be on the other side of the river. Always. And if you spawn on that side of the river, it is possible to actually take multiple extracts actually. So कुछ extract जो है ना, even on ground zero, they are very stupid. I mean, I'm not gonna say stupid, but yeah, they are very far from each other. Shoreline ही देख लो. Shoreline पे कितना अजीब है. दिस मैप इज सो वियर्ड. इफ़ यू स्पॉन अ टनल और इवन इन द विलेज यू कैन इमीजिएटली एग्जिट टूवर्ड्स पार्ट टू लाइट हाउस. ठीक है, इवन इफ यू स्पॉन एट पार्ट टू लाइट हाउस यू कैन एक्सट्रैक्ट एट पार्ट टू लाइट हाउस विद इन द फर्स्ट 5 seconds. आई मीन द स्पॉन्स ऑन शोरलाइन आर लिटरली डम, नथिंग एल्स. दे आर जस्ट डम स्पॉन्स. Yeah, the design of the game is in this way कि wherever you spawn the extract will be on the side. Only streets मेरे को ऐसा थोड़ा लगता है कि there are like multiple options that you have, multiple rotations you can take to extract depending on where you spawn. पता नहीं क्यों extract wise मेरे को streets normal लगता है. There are so many options to extract on streets, even though it's a pretty like complicated and big map. Yeah. By the way, terminal related to terminal जो निकिता ने बताया था वो ये था कि it will be like a end game map and there will only be like single player quest रहेगी इस पर complete करने के लिए. And this is where you will finally escape Tarkov, जहाँ Tarkov की जो story होगी वो complete हो जाएगी. The lore will be क्या बोलते हैं completed. So if you look at the line जो यहाँ से draw हो रही है, ठीक है, इफ़ यू लुक एट द लाइन विच इज़ गेटिंग ड्रॉन यू स्टार्ट फ्रॉम द लैब और समवेयर देयर जो कि ग्राउंड जीरो के पास में है. सो फ्रॉम ग्राउंड जीरो यू गो टू स्ट्रीट्स, देन यू गो टू इंटरचेंज, देन यू गो टू कस्टम्स, फैक्ट्री बिकॉज दे आर एडजेसेंट, देन यू गो टू वुड्स, देन यू गो टू रिजर्व, देन लाइट हाउस, देन शोरलाइन, देन टर्मिनल. सो ये जो है ये इट्स नॉट इंटरकनेक्टेड लाइक दैट. सो टर्मिनल से यू डोंट गो बैक टू स्ट्रीट्स, राइट? इट्स अ होल फ्रिकिंग कंट्री. सो फ्रॉम हेयर दे हैव ड्रॉन दिस लाइन जिससे लोअर ट्रैवल हो रही है एंड थ्रू टर्मिनल यू विल फाइनली गो आउट फ्रॉम टार्कोव एंड एस्केप. दैट्स हाउ इट्स गोना बी. सो निकिता हैज सेड कि दैट विल नॉट बी लाइक अ मल्टीप्लेयर काइंड ऑफ मैप. इट विल बी the end game, kind of like a story quest kind of map. अब कैसे play out होगा, कब आएगा पता नहीं, but they are pushing it for the release जब होगा उस टाइम पे आएगा वो. So we'll see, देखते हैं कैसे कराएगा. स्कैव से रोड ब्लॉक भागा. पहले नहीं था ये लाइन, यहाँ पहले नहीं थी वो. They added it like when they added terminal, then they added the line. Because उससे पहले there was another map called suburb and there was another map called the town. वो भी planned था, पर वो they removed that with the जब ये वाइप आई थी last वाली, they removed that and then they changed plans. They are going for release now क्योंकि content बहुत ज़्यादा हो जाएगा to make the game you know into a final release. मुझे ऐसा लग रहा है कि they will release the game and then they will move on to a different project. Because they have enough money now to move on to other project. मुझे seriously मेरे को ऐसा लग रहा है. This game is already under like 8 years, 9 years पता नहीं कितने साल से already development में है. So I bet the developers are like itching to you know start something else. I strongly believe that, very strongly. All right, chalo guys, I am going. Had good raids today, good PvP, and I will see you guys in the next stream. ठीक है, चलो, bye bye, good nights.